जय श्री कृष्ण राधे राधे आज व्रज फाल्गुन शुक्ल अष्टमी रविवार 17 मार्च 2024 है आज से होल का अष्टक आरंभ हो रहा है और आज नाथ द्वारा में श्री नवनीत प्रिया जी का बगीचा उत्सव है आइए विस्तार से आज के दर्शन करते हैं आज फाल्गुन शुक्ल अष्टमी है श्रीनाथ जी में और व्रज में होली की धूम इन दिनों अपने चरम पर है आज अष्टमी से होलका अष्टक प्रारंभ हो जाता है होली के आठ दिन पूर्व शुरू होने वाले होलका अष्टक के दिनों में कोई लौकिक शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं व्रज में इस अष्टमी नवमी व दशमी से होली तक नंदगांव व बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठ मार होली खेली जाती है इसे होरंगा भी कहा जाता है और इसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक व्रज में जाते हैं आज श्री नवनीत प्रिया जी में बगीचा उत्सव है आज के दिन प्रभु श्री नवनीत प्रियाजी मंदिर में श्रीनाथ जी मंदिर में स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक वाले बगीचे में फाग खेलने पधारते हैं व्रज में नंदगांव के पास नंदराय जी का बगीचा है जहां नंद कुमार खेलने के लिए पधारते थे इस भाव से आज महाप्रभु जी की बैठक वाले बगीचे को नंदराय जी का बगीचा मानकर श्री नवनीत प्रिया जी वहाँ राजभोग व उत्सव भोग फाग खेलने पधारते हैं उत्सव में धूमधाम से कीर्तनों की रागिनी के मध्य प्रभु श्री लाडले लाल नवनीत प्रिया जी बगीचे में पधारते हैं आता इस उत्सव के निमित्त श्री जी को भी आज नियम का मुकुट काचनी का श्रृंगार धराया जाता है श्रीजी में आज से गोविंद स्वामी के गारी के पद गाए जाते हैं आज प्रभु को चोवा की चोली केसरी मलमल के सूथन काचनी व पीतांबर धराए जाते हैं श्रृंगार दर्शन में कमल के भाव की चित्रांकन वाली पिछवाई आती है जिसे ग्वाल समय बड़ा कर दिया जाता है राजभोग के कीर्तनों में कुंज एकादशी के दिन तक प्रतिदिन अष्टपदी गाई जाती है राजभोग खेल में प्रभु की कटी में गुलाल व अबीर की पोटली बांधी जाती है आज प्रभु की दाढ़ी भी रंगी जाती है राजभोग दर्शन में आज सास सेवा में सफेद मलमल की सादी पिछवाई धराई जाती है जिसके ऊपर गुलाल व अबीर से भारी खेल किया जाता है गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है वस्त्र सेवा में श्रीजी को आज केसरी मलमल का सूथन काचनी रासपटका एवं चोवा की चोली धराए जाते हैं सभी वस्त्र रुपहली जरी की तुइलेस की किनारी से सुसज्जित होते हैं वस्त्र आज सफेद जामदानी अर्थात लट्ठा के धराए जाते हैं सभी वस्त्रों पर अबीर गुलाल आदि को छांटकर कलात्मक रूप से खेल किया जाता है प्रभु के कपोल पर भी गुलाल अबीर लगाए जाते हैं श्रृंगार सेवा में श्रीजी को आज वनमाला का चरणारविंद तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है लाल हरे एवं एक श्याम मीना तथा जड़ाव सोने के सर्व आभरण धराए जाते हैं श्री मस्तक पर मीना का मुकुट एवं बाई और शीश फूल धराया जाता है श्रीकरण में जड़ाव मयूरा कुंडल धराए जाते हैं बाई और मीना की शिखाजी धराई जाती है दो माला अक्का जी की धराई जाती है पीले एवं लाल पुष्पों की विविध पुष्पों की थाग वाली दो सुंदर माला जी धराई जाती है भारी खेल के कारण सर्व श्रृंगार रंगों से सरोबार हो जाते हैं और प्रभु की छठा अद्भुत प्रतीत होती है पट का वगोटी गोटी फाल्गुन की आती है संध्या आरती दर्शन उपरांत चोली व दोनों काचनी बड़ी की जाती है श्रीमस्तक व श्रीकंठ के श्रृंगार आभरण बड़े किए जाते हैं शयन में प्रभु को चोवा के घेरदार वागा श्रीमस्तक पर गोल पाक के ऊपर सुनहरी लूम तुर्रा व श्रीकंठ में छेड़ान के हल्के आभरण धराए जाते हैं